हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पान फ्लेवर का केक, वो भी बिना क्रस्ट का। तो हमने मार्केट से जो पान मिलता है उसको ला लिया है और उसको ग्राइंडिंग जार से क्रश करके दो से तीन ड्रॉप जो बीट किए हुए क्रीम है उसमें हमने डाल दिया ताकि पान का फ्लेवर आ सके। और हमारा बेस रेडी है, तो हमने जल्दी से इसमें बेस लगाया और अपने केक को लेयरिंग में काट लिया है और जस्ट इसका आइसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शुगर सीरम सोक कर रही हूँ, नॉर्मल वाटर और शुगर सीरम बनाया है। सो अच्छी तरीके से सभी तरफ स्प्रेड कर लेते हैं ताकि केक सब सुपर मॉइस्ट बने। और फिर इसके बाद हम डालेंगे क्रीम। क्रीम को भी अच्छे से सभी तरफ स्प्रेड करेंगे और ये केक तो काफ़ी बहुत टेस्टी लगता है, सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है ये वाली केक। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और फिर इसके बाद हमने जो क्रश जो मार्केट से ख़रीदा है उसको हमने ग्राइंडिंग जार में ग्रेट किया है और जस्ट उसको क्रश जैसे लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह सभी तरफ इवनली स्प्रेड करते हैं करेंगे। और फिर इसके बाद आएगा सेकेंड लेयर, इसको भी हम अच्छे से मॉइस्ट करेंगे शुगर सीरम से ताकि हमारा केक और भी ज़्यादा डिलीशियस लगे। और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद फिर से हम इसमें क्रीम का एक लेयर लगाएंगे। सो ये केक सभी को बहुत पसंद आने होने वाला है, बहुत पसंद आता है ये केक, बहुत लोगों का पसंदीदा केक है। इसको खाने से तो मुंह में एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। सो अच्छे से हम क्रीम को स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर हम फिर से क्रश डालेंगे जो पान का हमने क्रश करके रखा हुआ है ग्राइंडिंग जार में। स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट स्टेप हमने किया है सेम टू सेम सेकेंड लेयर में भी वही करेंगे, अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। और फिर आएगा लास्ट एंड थर्ड लेयर, इसको भी हम अच्छे से मॉइस्ट करेंगे। फिर सभी को हम क्रम कोटिंग करेंगे ताकि हमारा जो क्रम्स है जो बिखरे हुए लेयर्स हैं वो इवनली हो सके। सबको इवन करने के लिए क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी विंटर सीजन है तो क्रीम का मेल्ट होने का कोई चांसेस नहीं बनता, लेकिन समर सीजन में क्रम कोटिंग करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट या जैसे जैसे टेम्परेचर के हिसाब से इसको फ्रिज में रखना पड़ता है। सो अच्छे से हम इसको क्रम कोटिंग कर लेते हैं। लगाएंगे क्रीम को साइड में, ऊपर में, सभी तरफ अच्छे से लगाएंगे। कर लिया है और बस अब इस केक में हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। कार्विंग लुक लाने के लिए हम इसमें जेल, क्योंकि ये पान फ्लेवर का है तो हम इसमें ग्रीन कलर का न्यूट्रल जेल से इसको कोटिंग करेंगे। और हमने इसको पहले से ही बना के रखा था न्यूट्रल जेल में, कलर को अच्छे से मिक्स करके इसको स्प्रेड कर रही हूँ। और
फिर इसका लुक काफ़ी अच्छे से आने वाला है, बहुत ही सुपर दिखेगा केक हमारा, पान केक। सो इसको हल्के हाथों से हमने सभी तरफ स्प्रेड किया है, पर थोड़ा सा न्यूट्रल जेल और होना था, थिक ज़्यादा थिक होने के वजह से थोड़ा सा ये स्प्रेड सभी तरफ से नहीं हो पाया, फिर भी फाइनल लुक इसका ठीक है, ओके ओके है। ये देखिए फाइनल लुक हमारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और ऊपर में हम यहाँ पे येलो येलो फूड जेल डाला है, एक ड्रॉप न्यूट्रल जेल में डालकर हमने सेम जैसे ग्रीन कलर का न्यूट्रल जेल स्प्रेड किया वैसे ही ऊपर में येलो कलर का किए हैं। और ये रहा हमारा, कितना साइन न्यूट्रल जेल डालने से इतना अच्छा शाइनिंग आता है। और थोड़ा सा ख़राब हो गया हमारा केक फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे केक बेस दिखने लग गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही सुंदर दिखा, लुकिंग वाइज अच्छा आया। आप लोग जब बनाएंगे तो इसमें आइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो फिर ये इवन हो जाएगा। मैंने उसमें और कुछ सुधारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम का कार्विंग केक है। सो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैंने इसको अब फाइनली बहुत अच्छे से किया है। सो फ्रेंड्स, और ऊपर में मैंने थोड़ा सा और लुक थोड़ा सा देने के लिए, क्योंकि मैं और फ्लावर नहीं डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा और उसको अच्छे से कर रही थी, अच्छे से मेरा केक इन्हेंस हो जाए ताकि सुंदर लगे कर कर। सो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और ये करने के बाद फिर भी थोड़ा सा खाली लगा ऊपर, तो मैंने उसमें रोज़ पेटल डाल दिए, यहाँ से दिख नहीं रहा, ये रहा। सो फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।